भारतीय टीम मजबूत स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला काफ़ी गलत था क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में जो उनका पहला विकेट इंडिया का गिरा, उसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने जो पार्टनरशिप की, जो कि 200 रन की पार्टनरशिप हुई उनकी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकला। जी हाँ दोस्तों, दोनों की पार्टनरशिप में काफ़ी तेज़ पार्टनरशिप थी। सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर ने अपना शतक पूरा किया, उसके बाद शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन जो कि गेंदबाज हैं, उन्होंने भी अपना गेंदबाजी में शतक पूरा किया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए के राहुल ने अपना 50 लगाया जो कि काफ़ी तेज़ खेली। उसके बाद छोटी सी नौ की थी ईशान किशन ने, उन्होंने भी 31 रन की पारी खेली। आखिरी समय में तूफान तो सूर्य कुमार यादव ने लाया, जिन्होंने 37 गेंद में 72 रन की जो आतिशी फारी खेली, उससे ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेला और ऑस्ट्रेलिया का जो गेंदबाज थी उनकी गेंदबाजों की कुटाई लगाई। इंडिया का स्कोर इस समय 399 पे रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 50 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद जब गेंदबाजी करेंगे भारतीय गेंदबाज तो देखना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस समय बैकफुट पर है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट जो भारतीय बल्लेबाजों ने रचा है, ये ऑस्ट्रेलिया को चेस करना इतना आसान नहीं होगा। और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख बल्लेबाज इस मैच में खेल भी नहीं रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो भारतीय बल्लेबाजों ने जो इतिहास रचा है, क्योंकि इस तरह से जो आतिशी पारी खेलकर जो टीम को अच्छे स्कोर तक पहुँचाया है, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोकेंगे या नहीं, ये बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।